हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइस जो आज की वीडियो होने वाली है मेरे मेन कंटेंट से काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाली है। जो मेरा मेन कंटेंट जैसे आपको पता होगा गेमिंग का है, पर आज मैं वीडियो डालने वाला हूँ जो कि है स्कैम से रिलेटेड, जो कि रिसेंटली मेरे साथ एक स्कैम हुआ था उसके बारे में आपको बताऊँगा। और मैं आपको सॉरी भी कहना चाहता हूँ कि जो मेरी वीडियो ये आ रही है लगभग 8-9 महीने बाद आ रही है, तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो जल्दी बनाऊंगा कि मैं अनएक्टिव क्यों था, वीडियो क्यों नहीं पोस्ट करी मैंने चैनल पे, तो उसका आप वेट करें एंड बेल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए ऐसे मैं वीडियो अपलोड करूं। तो चलिए बात करते हैं फिर स्कैम के साथ कैसे कैसे होगा। हाँ तो फिर अभी रिसेंटली बात है, मेरे को कुछ स्नीकर्स बाय करने थे अपने लिए, तो ऐसे मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था एंड मैंने देखा 10 स्नीकर स्टोरी के नाम से इंस्टाग्राम पेज है जिस पे 100K फॉलोवर्स है। एंड उस पर मतलब मेरे को जेन्युइन लगा पेज भाई, 100K फॉलोवर्स है एंड रिव्यू वगैरह भी देखे मैंने उस पर, उनके इंस्टाग्राम पेज पे उन्होंने रिव्यूज़ भी डाले थे कि भाई लोग कह रहे हैं काफ़ी अच्छे शूज़ है भाई, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है। तो मैंने देखा अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने देखा कि उसके यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह है कि नहीं द स्नीकर स्टोरी से रिलेटेड, तो मेरे को स्कैम वगैरह की वीडियो तो मिली नहीं। और एक दो वीडियो मेरे को मिली वो भी उसके रिव्यू के थी, अब मेरे को पता नहीं वो रिव्यू रियल रिव्यू था या फिर पेड रिव्यू था जो भी को। फिर कैसे दो दिन बाद मैंने मतलब एक दो दिन तक मैंने उस पेज पे रिसर्च करी कि वो पेज कितना पुराना है, कोई स्कैम वगैरह तो नहीं है उससे रिलेटेड, मतलब कोई पेज वो स्कैम वगैरह तो नहीं करा लोगों के साथ, तो मेरे को कोई ऐसा मेजर इशू तो नहीं मिला। तो मैं सोचा चलो भाई इससे हम एक बार कर लेते हैं, ऑर्डर करके देखते हैं हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलता है हमें। तो मैंने ऑर्डर करने से पहले उन्होंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ था, उनका बिजनेस वाला व्हाट्सअप नंबर था, मैंने उस पर कॉल करा और मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ली कि जो आपके शूज़ हैं वो नाइकी के शूज़ थे, नाइकी जॉर्डन नहीं नाइकी एयर थे शायद, नाइकी एयर वन थे पता नहीं कौन से थे, मैं आपको सारी फोटोज़ वगैरह दिखा दूंगा। ये वाले शूज़ जो है मैंने ऑर्डर करे थे, तो गैस जो उनका व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइडेड था मैंने उस पर कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ली कि आपका अगर प्रोडक्ट जो आप सेंड कर रहे हैं उसमें कोई डिफेक्ट वगैरह है तो क्या रिफंड हो जाएगा या फिर रिप्लेसमेंट वगैरह, तो उन्होंने मुझे साफ साफ बताया, अच्छे से बताया कि इसमें रिफंड भी हो जाएगा और अगर आपको रिप्लेसमेंट चाहिए होगा तो आपको रिप्लेसमेंट भी हम कर देंगे विदिन 3-4 डेज ऐसे करके उन्होंने बताया। तो थोड़ा बहुत मैंने और उनसे पूछा कि शूज़ वगैरह हैं क्या, फर्स्ट कॉपी है सेकेंड कॉपी है क्या क्या है, क्योंकि जो उन नाइकी के शूज़ थे वो नाइकी एयर वन थे एंड ऑब्वियसली बात है 10-15 हज़ार के शूज़ उस वेबसाइट पे 3,200 रुपीज़ के मेंशन थे, तो ओरिजिनल तो होंगे नहीं, साफ सीधी सी बात है। तो उन्होंने बताया कि मास्टर कॉपी है एंड जो क्वालिटी होगी वो एक्यूरेट क्वालिटी होगी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी होगी जैसे आपको वेबसाइट पे दिखा रहे हैं एंड रिव्यूज़ वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे उनके इंस्टाग्राम पेज पे। वेबसाइट का नाम thesneakerstory.in वो भी आपको स्क्रीन पर आ जाएगा, देख लीजिएगा आप एक बार। एंड सारी बातचीत करने का मेरे को लगा हाँ भाई सही है, बिल्कुल जेन्युइन मेरे को लगा सब कुछ, तो मैंने ऑर्डर प्लेस करा। 3,200 रुपीज़ के शूज़ थे, नाइकी है, नाइकी के शूज़ पूरा मॉडल के नाम ले जाऊँ मैं, नाइकी के 3,200 रुपीज़ के शूज़ थे नाइकी के, तो मैंने ऑर्डर करा एंड विद इन 6-7 डेज मेरे को जो है डिलीवरी मिल गई। तो मैंने डिलीवरी ली भाई, मैं बहुत खुश भाई, अपने जूते आ गए भाई क्या चाहिए, और नाइकी के शूज़ है भाई 3,200 रुपीज़ के, वो भी चलो मास्टर कॉपी पर देखने में तो भाई ओरिजिनल लग रहे हैं, हम भाई डेढ़ी मारे हैं भाई नाइकी के शूज़ पहनते हैं। तो मैंने अपने शूज़ की डिलीवरी ली, तो मैंने अपने शूज़ की डिलीवरी ली और डिलीवरी करने के बाद जैसे ही मैंने डब्बा खोला भाई, मेरे होश उड़ गए, मतलब आप दोनों मैं फोटोज दिखा दूंगा स्क्रीन पे, ये शूज़ मैंने ऑर्डर करे थे और जो शूज़ मेरे को मिले, ठीक है भाई, मैं भाई पूरा शौक, मैंने भाई को इंस्टाग्राम में भाई को व्हाट्सएप पे मैसेज करा, जो उनका बिजनेस वाला अकाउंट था, सो मैंने मैसेज करा भाई शूज़ मैंने ऑर्डर करे थे ये वाले और मेरे को शूज़ तुमने जो भेजे हैं ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट है भाई, सोल का कलर एक जो मैंने ऑर्डर करा था उसमें वाइट कलर का सोल है और जो तुमने भेजा उसमें ब्लैक कलर का सोल है, सब कुछ 100 सब कुछ डिफरेंट, सब कुछ कोई चीज़ सिमिलर नहीं होगी, कलर से लेके सोल का कलर से लेके कुछ भी सिमिलर नहीं था। तो भाई कहता है अरे सर सॉरी सर आपका मैं मैंने कहा सर रिफंड हो जाएगा, तो उन्होंने कहा सर रिफंड तो नहीं हो पाएगा, अब उसने मना करा कि रिफंड नहीं हो पाएगा, मैंने कहा सर फिर रिटर्न करवा दो, रिप्लेसमेंट करवा दो दूसरे शूज से, तो उसने कहा हाँ सर रिप्लेसमेंट हो जाएगा, आप शूज मेरे को भेजो, मतलब शूज वो अपना डिलीवरी बॉय नहीं भेजेगा, शूज मेरे को खुद से भेजने हैं, देख रहे भाई सब की चालाकी। शूज मैंने फिर डिलीवरी पार्टनर करके एक वेबसाइट है उससे शूज मैंने उसके पास भेजे, मेरे 300 रुपये लगे शूज भेजने में। तो भाई फिर उस मैंने कहा सर शूज आपको मिल गया, उसने कहा सर, मैंने कहा सर रिप्लेसमेंट भिजवा दो,
तो कहता है सर हाँ रिप्लेसमेंट भिजवा दूंगा पर आपको 300 रुपये मेरे को सेंड करने पड़ेंगे ताकि मैं शूज आपको वहां से डिस्पैच कर सकूं। मैंने कहा सर वो तो आपको करना है डिस्पैच, जैसे तो मैंने अपनी तरफ से भेज दिया आपको शूज। तो कहता है नहीं सर उसके भी पैसे आपको ही भरने हैं। मैंने कहा वाह भाई ये तो उनका अलग स्कैम चल रहा है भाई, मतलब डिलीवरी के भी पैसे मेरे को देना, अपनी तरफ से भिजवाने के भेजने देने पैसे और उनकी तरफ से भी पैसे मेरे को पे करने। अब माने कि चलो मैंने उसे शूज यहाँ से अपने भेजे 300 रुपये ला के उसके पास गए, फिर वहां से भी मेरे को 300 रुपये उसको और पे करने हैं कि भाई लो 300 रुपये और शूज वहां से दोबारा मेरे को भेजो, क्योंकि वो डिलीवरी के चार्ज अब वो नहीं लेगा, उसने ऑर्डर भेज दिया दैट्स ऑल, अब उसका और कुछ नाता वाता नहीं है तुम्हारे से, तुम्हारा कट चुका है अच्छे से ठीक है। तो भाई मुझे बदल गया भाई, मेरा तो चूना लग गया मेरे को 3,200 रुपये का। एंड फिर मैंने कहा सर मेरे को रिफंड चाहिए और मैं आपके कर रहा हूँ कंप्लेंट एंड मैं बना रहा हूँ यूट्यूब पे वीडियो आपके अगेंस्ट में। तो कहते हैं सर उससे कुछ नहीं होता, आपको जो करना है कर लो, उससे कुछ नहीं होता, आपका रिफंड में नहीं मिलेगा। मैं आपको वॉइस ओवर सुनाऊंगा उसका, मैं व्हाट्सएप पर उससे मेरे को वॉइस रिकॉर्ड करके भेजिए भाई साहब ने। सर उससे कुछ नहीं होने वाला है, आपका रिफंड मिल जाएगा, करना तो कर लीजिए, वो भी अटक जाएगा जो मिलने वाला है वो भी। वो उसके मैं आपको चैट भी दिखाऊंगा। मैं भाई को एक हफ्ते से कह रहा हूँ भाई रिफंड कर दो रिफंड कर दो, हाँ 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 के अलावा भाई ने एक वर्ड नहीं बोला। तो वैसे जो वो इंस्टाग्राम पेज है द स्नीकर स्टोरी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो एक प्राइवेट अकाउंट है, तो जाके उसे रिपोर्ट वगैरह थोड़ा प्यार देना, रिपोर्ट करना उसे पेज पे ताकि उसका पेज जल्दी से ब्लॉक हो और वो बाकी लोग के साथ स्कैम ना कर पाए। और वैसे भी मैंने वीडियो तो अपलोड कर ही दिया, होपफुली अब जो भी भाई कोई शॉपिंग करता है आज के ज़माने में वो यूट्यूब पे इसके रिव्यूज वगैरह 100% जाके चेक करता है, अगर किसी को थोड़ी बहुत नॉलेज है उसके बारे में कि भाई यूट्यूब पे रिव्यूज वगैरह देखने का जेन्युइन वेबसाइट नहीं है, तो बेसिकली हर कोई चेक करता है रिव्यूज वगैरह, जो कि मैंने भी चेक करने की कोशिश करी थी पर मेरे को नहीं मिली एंड दैट्स व्हाई आई गॉट स्कैम्ड। एंड और गाइस इनका मेरे से गलती हुई कि मेरे को पता नहीं था कि इनकी जो एक एप्लीकेशन भी है और वो प्ले स्टोर पे है, तो मेरे को वहाँ पे जाके रिव्यू जब मैंने चेक करे ये जब मेरे साथ स्कैम वगैरह हो गया तब बाद में जाके मैंने चेक करा, मैंने देखा भाई वहाँ पे तो लोग की लाइन लगी पड़ी जिसके साथ स्कैम हुआ है, किसी का 10,000 के स्कैम कराया, किसी का 5,000 का स्कैम कराया, एक बंदा लिख रहा भाई 10,000 रुपये मैंने अपने पेरेंट्स से लिए और मेरे भाई पैसे भी गए, जूता भी नहीं आया, जूता भी उसने सेम वैसे उसको कहा कि भाई जूता मेरे को भिजवाओ और मैं आपको रिफंड करवा देता हूँ, जूता उसके पास पहुँचा उसने भाई नंबर सब ब्लॉक कर दिया, भाई का हो गया स्कैम। तो भाई उसके तो मम्मी पापा के वजह तो भाई बेचारे को अलग ही भाई डिप्रेशन वगैरह हो रहा होगा कि भाई खुद सोचते खुद गिल्ट फील हो रहा होगा मैं 10,000 रुपये गए और उसके पेरेंट्स उसे और सुना रहे होंगे। मेरे केस में तो ऐसा नहीं, जो मेरे पैसे गए वो मेरे ही थे, तो मेरे को थोड़ा बहुत 3-4 दिनों तक भाई रहा पैसे चले गए, जो हो गया सो हो गया, इस वजह से मैंने वीडियो बना दिए कि भाई जो मेरे साथ स्कैम हुआ है वो और किसी के साथ ना हो। गाइस मैं नहीं कहता कि आप इस वीडियो को लाइक करो या फिर सब्सक्राइब करो चैनल को, बस आप इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों के पास से पहुंचे इन्फॉर्मेशन, और जो भी उससे द स्नीकर स्टोरी से अपना कोई शू वगैरह फिर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं उस पर सब फेक ही हैं चाहते मेरे को लगता है, तो उससे परचेज ना करें या फिर किसी ओरिजिनल जेन्युइन वेबसाइट से आके परचेज करें। और एक चीज़ और करनी, जो इंस्टाग्राम पेज है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, आपको 100% जाके प्लीज़ उसे रिपोर्ट करो ताकि उसका भाई जो स्कैम है जल्दी से जल्दी खत्म हो। एंड गाइस जो भी शूज़ वगैरह की फोटो है मैं सब दिखाता हूँ आपको दोबारा से, ये मैं शूज़ मैंने ऑर्डर करे थे, ये मेरे को मिली है, ये कुछ उसकी व्हाट्सएप चैट वगैरह आप देख लीजिए। And yes, that's all for today's video. Thank you so much for watching. Bye bye.